राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। प्रेम मुदित मन से सुनिए सिया राम विवाह कहानी। सिया राम विवाह कहानी, रामायण की अमर कथा ये अनुपम दिव्य सुहानी। सिया राम विवाह कहानी, सिया राम विवाह कहानी। मिथिला में श्री रामचंद्र ने शिव के धनुष को तोड़ा, पूरी कर दी जनक प्रतिज्ञा, सिया से नाता जोड़ा। जनक ने लग्न पत्रिका देकर दूत अवधपुर भेजा, निज पुत्री के ब्याह का तत्क्षण हर सामान सहेजा। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की सुभग पंचमी प्यारी, शुभ दिन तिथि शुभ लग्न मुहूर्त परम सुमन नगर नगर और डगर डगर में वंदन वार लगे थे, रंग बिरंगी दीप शिखा से सब घर द्वार सजे थे। मिथिलापुर के राजभवन बजी सुगर शहनाई, उत्साहित थे नगर निवासी, चहुदिशी खुशियां छाई। तीन लोक और दसों दिशा के देव दनुज सब आए, अवधपुरी से दशरथ जी बारात जनकपुर लाए।
जाकर जनवासे में की स्वागत अगवानी। पंडित वेद उचारे, पंडित वेद उचारे, पंडित वेद उचारे, तब जनवासे से बरात पहुंची विदेह के द्वारे। द्वार चार मंगला चरण की विधिया सभी निभाई, तब विवाह बंधन में बंधने की शुभ बेला आई। सिया राम मांडवी भरत श्रुति कीरति सूदन, संशोभित उर्मिला लक्ष्मण मन हर दिव्य रूपम, जोशी विष्णु और ब्रह्मा सब कुमार से सुनिए सिया राम विवाह कहानी। सिया राम विवाह कहानी। सप्तपदिया रे पाणि ग्रहण की रीत पूर्ण कर लीनी, फिर चारों दंपति ने अग्नि को सात भाव रे दीनी। सात भाव रे सात जन्म की सात प्रतिज्ञा एक एक करके पूरी हो गई, हर एक रस्म जरूरी। ब्याह हुआ संपन्न जगत में गूंज उठे जयकारे, जयति जयति मिथिलेश दुलारी, जय अवधेश दुलारे। दशरथ और जनक की जय जय, सरयू कमला पानी जय जय, अवधपुरी जग पावन जय मिथिला वरदानी, जय मिथिला। सिया राम जय
पधारो दुल्हन कोह पर जाए पधारे सखियों के संग में विनोद के कुछ पल सभी गुजारे राम कलेवा को पहुँचे तब सब मिथिला की नारी राम की माँ को गिन गिन कर देने लागी गारी तब सीता की माता ने चारों बहनों को बुलाया पत्नी पुत्र वधु के संग संग नारी धर्म सिखाया ने मंगल गाया इसके बाद विदाई का अति भावुक अवसर आया तड़प उठा दिल फटा कलेजा झर झर आंसू बरसे झर झर आंसू बरसे बिटिया भाई पराई हाय रे मात पिता के घर से सीता राम विवाह की पावन कथा सुने पत्नी निष्ठा से सदैव दंपति धर्म निभावे सुख को दुख को हित अनहित को आवे